बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान रूहानी मौलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। वो मेरे बहन भाई जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान है और ब्लड प्रेशर बिला वजह ऊपर चला जाता है और ब्लड प्रेशर की वजह से वो परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आज खास वजीफा है, खास अमल है। इसको करने से इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंशाल्लाह ताला नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि ब्लड प्रेशर की वजह जो है वो एक तो हमारी जो गजा वगैरह होती है वो भी होती है, दूसरा जादू जिन्नात की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब आपके दिमाग पर जादू किया जाता है तो उस वक्त भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो आप इसके लिए बेहतर ये होता है कि अगर आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हैं और आप हमेशा बीमार रहते हैं, और ब्लड प्रेशर तो एक अलग मैटर है, इसके अलावा अगर आप और भी बीमारियों का शिकार रहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा आप अपने भी किसी भी एतमाद वाले मालिक से इसको तशखीस जरूर करवा लें कि आपकी जो बीमारियां वो जादू जिन्नात की वजह से ना हो। इसके लिए आप अपना या अपने अहले खाना का रूहानी इलाज या रूहानी तशखीस इदारा रूहानियात से करवाना चाहते हैं तो हम लोग बरोज इतवार लाहौर डिफेंस मदरसा तालीमुल कुरान में सुबह 10 से 12 बजे तक आपकी खिदमत के लिए बैठते हैं। आप अपनी अपनी और अपने अहले खाना की रूहानी तशखीस और रूहानी इलाज के लिए आप एतमाद के साथ तशरीफ ला सकते हैं। जो साथी जो हजरात खवातीनों हजरात जो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से और दूसरे शहरों से तशरीफ नहीं ला सकते हैं वो हमारे मुअक्कलाती रूहानी कोर्सेज को ज्वाइन करें। उसके लिए आप हमारे आमाल हासिल करके घर बैठे अपने मसाइल का हल खुद करें और पूरी जिंदगी के लिए इन आमाल की इजाजत लेके अपने नाम पे उन आमाल को जारी करवा के पूरी जिंदगी इन आमाल का फायदा हासिल करें। इसके लिए आप हमारी टीम से राब्ता करें। वो लोग जो वजायफ नहीं करना चाहते या वजायफ कर करके थक चुके हैं, काम नहीं होता या वक्त की किल्लत की वजह से पढ़ाइयां नहीं कर सकते या कोई ना कोई मसला आ जाता है उनको पढ़ाइयों में, तो उसके लिए फिर हम लोग खास हमारा तावीज है जिसके पीछे बाकायदा जिन्नाती नेटवर्क को मुंसलिक किया गया है और आपके खास काम के लिए खास जिन को बता के आपके काम के लिए आपको तावीज दिया जाता है। उसके पीछे वो जिन काम करता है जो खास मकसद खास हदफ के तहत आपके पास जाता है और आपका काम मुख्तसर वक्त में करके वापस आ जाता है। अगर आप वजायफ के काम नहीं करवाना चाहते और आपके पास वक्त की किल्लत है तो फिर आप हमारे तावीजात का इस्तेमाल करें। उसमें आपने पढ़ना नहीं होता, आपने सिर्फ तावीज का इस्तेमाल करना होता है जो हमने खास तरीका बताया, तो उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुख्तसर वक्त में और मुख्तसर मेहनत में आपका जल्द काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए आपने क्या करना है कि आपने हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपने एक आयत पढ़नी है। ये अमल आपने रात को सोते वक्त आपने जो है ना एक पानी की बोतल लेनी है, उसके ऊपर आपने इसको दम करना है। इसका तरीका जरा समझ लीजिए, तरीका थोड़ा सा है इसका समझने वाला। तो 1.5 लीटर की बोतल आपने लेके उसके ऊपर आपने 100 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ 100 मरतबा आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशिफा उल्लिमा फिस सुदूर, बस ये आपने पढ़ना है वशिफा उल्लिमा फिस सुदूर। इसको आपने 100 मरतबा पढ़ के उस पानी की बोतल को दम करके उसको कैप लगा के आपने फ्रिज में रख देना है। रखना फ्रिज में है, अगर सर्दी का मौसम है तो फिर आप इसको बाहर रखें ताकि टेम्परेचर में रहे। तो इसके लिए फिर आपने सुबह उठने नमाज के लिए नमाज फजर के फौरन बाद आपने वो पानी आपने एक गिलास पानी गिलास में शीशे के गिलास में आपने डालना है। उसको साफ पानी साफ शीशे का जो गिलास होता है ना बिल्कुल क्रिस्टल जो होता है उसके अंदर आपने पानी डालना है और उसके ऊपर उसके अंदर आपने 1 चम्मच अरके गुलाब डाल के उसको आपने शेक कर लेना। पानी ठंडा होगा या आपके मतलब गर्म पानी नहीं लेना, आपने ठंडा पानी लेना है, बस अपने मिजाज के मुताबिक आप देख ले। तो इस पानी को आपने 11 घूंट में आपने पानी पीना है, 11 घूंट में आपने पानी पीना है। 11 घूंट में पानी के पीने के बाद आपने अल्लाह से दुआ कर लेनी है। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पानी है उसको आपने दिन में थोड़ा थोड़ा पीते रहना है। इस अमल को आपने 40 दिन करना है। 40 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपको हमारे बताए वजाइफ से फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। जजाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।